आज का हमारा टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कन्फॉर्मल मैपिंग प्रिजर्व बोथ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एंगल्स एंड सेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स बट नॉट सेंस, सेंस ऑफ एंगल्स बट नॉट मैग्नीट्यूड, neither magnitude of angles nor sense, right? Conformal mapping magnitude of angle को भी preserve करता है और उसके sense of rotation को भी, direction को भी preserve करता है, right? तो अगर suppose ये हमारा z plane है, z plane, x axis, y axis, और ये w plane है, w plane, U एक्सिस एंड V एक्सिस। Z प्लेन में अगर सपोज कोई कर्व है, हमारे पास ये कर्व है C1, ये ट्रांसफॉर्म्ड होता है C1' में, C1' दूसरा कर्व है C2, ये ट्रांसफॉर्म्ड होता है C2' में, सपोज ये है C2', राइट। C1 और C2 के बीच में जो एंगल है, सपोज ये है θ1 एंड C1' एंड C2' के बीच का एंगल है θ2। यहां पर सेंस ऑफ रोटेशन ये है एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट। तो इस मैपिंग में हम देख सकते हैं एंगल भी सेम है और जो सेंस ऑफ रोटेशन है, जो डायरेक्शन है, वो भी सेम है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों में है। और एंगल यहां पर अगर सपोज θ1 और θ2 सेम है तो इस तरह की मैपिंग को हम बोलेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग, राइट। तो अगर एंगल सेम है θ1 = θ2 और डायरेक्शन भी सेम है तो इसका मतलब है डायरेक्शन और एंगल दोनों प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। अगर मैपिंग में सिर्फ एंगल सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट है तो उसे हम कहेंगे आइसोगोनल मैपिंग, राइट। ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई कन्फॉर्मल मैपिंग है तो वो आइसोगोनल होगी, राइट। सो ऑल कन्फॉर्मल मैपिंग्स आर आइसोगोनल। Why? Because isogonal होने के लिए सिर्फ एंगल सेम होना जरूरी है और कन्फॉर्मल में एंगल सेम होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी सेम होता है, तो सभी कन्फॉर्मल मैपिंग आइसोगोनल होंगी। लेकिन सभी आइसोगोनल मैपिंग कन्फॉर्मल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, राइट। तो बात बहुत सिंपल है, अगर एंगल और डायरेक्शन दोनों सेम है तो वो कन्फॉर्मल मैपिंग होगा, और अगर सिर्फ एंगल सेम है तो वो आइसोगोनल मैपिंग होगी, और सभी कन्फॉर्मल मैपिंग आइसोगोनल होंगी, लेकिन सभी आइसोगोनल मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं होंगी, उसमें से कुछ कन्फॉर्मल हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ w = f(z) इज अ कन्फॉर्मल मैपिंग ऑफ अ डोमेन डी इन जेड प्लेन इन टू अ डोमेन d' ऑफ w प्लेन देन। तो यहां पर गिवन है w = f(z) एक कन्फॉर्मल मैपिंग है, राइट। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर w = f(z) कन्फॉर्मल मैपिंग है देन पहली बात जो f(z) है वो एनालिटिक होगा, ऑफकोर्स इन डोमेन डी, जो f(z) है वो एनालिटिक होगा डोमेन डी में। दूसरी बात, जो f'(z) है वो ≠ 0 होगा इन डोमेन डी, राइट। तो अगर मैपिंग कन्फॉर्मल है तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है, अगर हमारे पास कोई मैपिंग है w = f(z) और इसमें जो f(z) है वो एनालिटिक भी है और साथ ही साथ f'(z) ≠ 0 भी है, तो हम कहेंगे ये मैपिंग क्या हो जाएगी, कन्फॉर्मल मैपिंग होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Consider two mappings f(z) = e^z and g(z) = sin(z), right? यहाँ पर हमें पूछा है कौन सी मैपिंग कन्फॉर्मल है और कौन सी नहीं है, ओके? तो हमें मालूम है अगर मैपिंग कन्फॉर्मल होगी तो उसे एनालिटिक होना पड़ेगा और f'(z) should not = 0। तो चेक करते हैं, पहले f(z) को चेक करेंगे, तो f(z) = e^z है और ये मैपिंग हमेशा एनालिटिक होगी, ये जो f(z) है ये हमेशा एनालिटिक होगा, राइट। नाउ इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो f'(z) हो जाएगा e^z। अब z की किसी भी वैल्यू के लिए f'(z) 0
नहीं हो सकता। अगर हम जेड को जीरो भी लेते हैं सो ई टू द पावर जीरो वन ही आएगा, राइट। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जेड की किसी भी वैल्यू के लिए ये जीरो नहीं हो सकता, राइट। तो यहां से हम कहेंगे एफ डैश ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ जेड ने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है, ये पहली कंडीशन है एनालिटिक है, दूसरी कंडीशन एफ डैश ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम कहेंगे जो हमारा एफ ऑफ जेड है वो क्या है, कन्फॉर्मल मैपिंग है, राइट। नाउ जी ऑफ जेड को चेक करेंगे, सो जी ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड, जी ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड भी एनालिटिक होता है, राइट। और अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें जी डैश ऑफ जेड, तो साइन जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस जेड, राइट। अब आपको देखना है कि जी डैश ऑफ जेड जेड की किसी वैल्यू के लिए जीरो तो नहीं हो रहा है, राइट। तो कॉस जेड कब कब जीरो होगा, अगर हम जेड इक्वल्स टू पाई बाय टू रखें, थ्री पाई बाय टू रखें, फाइव पाई बाय टू रखें एंड सो ऑन। तो जेड की यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए कॉस जेड जीरो हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो जी डैश ऑफ जेड है वो जेड की कुछ वैल्यूज के लिए जीरो हो रहा है। तो जो जी ऑफ जेड है वो कन्फॉर्मल होने की दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पर जी डैश ऑफ जेड बहुत बार जीरो हो रहा है, ओके। तो जी ऑफ जेड हमारा कन्फॉर्मल नहीं होगा, राइट। सो एफ इज कन्फॉर्मल एवरीवेयर बट नॉट जी, एफ इज कन्फॉर्मल एवरीवेयर बट नॉट जी। सो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैपिंग डब्ल्यू इक्वल्स टू ई टू द पावर आई जेड, ई टू द पावर आई थीटा जेड, वेयर थीटा इज अ रियल कॉन्स्टेंट एंड जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई परफॉर्म्स। तो ये यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्या परफॉर्म करेगा, राइट। तो ये परफॉर्म करेगा रोटेशन, थीटा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज, थीटा अगर लेस देन जीरो है तो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज इफ थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। कुछ और जनरल ट्रांसफॉर्मेशन रिवाइज कर लेते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस बीटा, बीटा यहां पर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, अगर इस फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो क्या परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा ट्रांसलेशन, किस डायरेक्शन में, वेक्टर बीटा डायरेक्शन में, कितना डिस्टेंस लेगा तो मॉड बीटा। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या परफॉर्म करेगा, ट्रांसलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बीटा एट अ डिस्टेंस मॉड बीटा, राइट। और डब्ल्यू इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा जेड, इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है इस क्वेश्चन में। और एक और ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड, ए यहां पर रियल कॉन्स्टेंट है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या परफॉर्म करेगा, तो ये परफॉर्म करेगा मैग्निफिकेशन, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो स्ट्रेचिंग होगी, और ए की वैल्यू अगर जीरो और वन के बीच में है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। एक और ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू बीटा जेड, ध्यान रखना यहां पर ये रियल कॉन्स्टेंट है और ये जो बीटा है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या परफॉर्म करेगा, तो ये रोटेशन और मैग्निफिकेशन दोनों को परफॉर्म करेगा, राइट। रोटेशन और मैग्निफिकेशन दोनों को परफॉर्म करेगा, ऑलराइट। और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ बीटा ग्रेटर देन जीरो है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ बीटा अगर लेस देन जीरो है तो रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। मैग्निफिकेशन के केस में मॉड बीटा अगर ग्रेटर देन वन है तो स्ट्रेचिंग होगी या एक्सपेंशन होगा, मॉड बीटा अगर लेस देन वन है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये कुछ जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है, इनको आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस टू जेड माइनस थ्री इज कन्फॉर्मल विद इन मॉड जेड इक्वल्स टू वन, नॉट कन्फॉर्मल एट जेड इक्वल्स टू माइनस वन एंड जेड इक्वल्स टू थ्री, कन्फॉर्मल एवरीवेयर नॉट कन्फॉर्मल एट जेड इक्वल्स टू वन। हमें चेक करना है कि जेड की किस वैल्यूज के लिए कन्फॉर्मल है या फिर नहीं है, ओके। सो जेड स्क्वायर माइनस टू जेड माइनस थ्री, ये पॉलिनोमियल है जेड में तो ये ऑलवेज एनालिटिक होगा। तो कन्फॉर्मल होने की पहली कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या है, एफ डैश ऑफ जेड शुड नॉट इक्वल टू जीरो। हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना है। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा टू जेड माइनस टू, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे सो टू जेड इक्वल टू टू, सो जेड इक्वल टू
वन, राइट। तो यहां से हमारा कंक्लूजन होगा z इक्वल टू वन पर ये जो मैपिंग है ये कन्फॉर्मल नहीं होगी, राइट। सो नॉट कन्फॉर्मल एट z इक्वल टू वन। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देना और z की जो भी वैल्यूज आएंगी तो वहां पर हमारा जो मैपिंग है वो कन्फॉर्मल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, By the transformation w equals to z e to the power I pi by 4, the line y equals to 0 is transformed into the line. तो पहले हमें क्या करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करो, यू वी की वैल्यू निकालो। तो ट्रांसफॉर्मेशन है w equals to z e to the power I pi by 4. Now e to the power I theta को हम क्या लिखते हैं, cos theta plus I sin theta, Euler's formula, right? So ये हो जाएगा W equals to Z को replace करेंगे X plus IY से, E to the power I pi by 4 है, तो ये होगा cos pi by 4 plus I sin pi by 4, sin pi by 4, right? Now X plus IY as it is, cos pi by 4 is 1 by root 2 plus I sin pi by 4 is also 1 by root 2, multiply करेंगे, so x by root 2 plus I x by root 2 plus I y by root 2 and plus I square y upon under root 2, so x upon root 2, I square y by root 2, तो i square होगा minus 1, तो यहाँ पर आएगा minus y upon root 2, और ये दोनों टर्म में से अगर i common लें, तो कुछ इस तरह आ जाएगा, x upon under root 2 plus y upon under root 2, right? Now 1 by root 2 common, so x minus y plus i 1 by root 2 common, x plus y, right? तो ये हमारा u हो जाएगा, और ये हो जाएगा v, right? तो इसे क्लियर कर लेते हैं, सो u इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 x माइनस y एंड v इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 x प्लस y। इस लाइन को ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू 0 को, तो दोनों भी इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे, सो u इक्वल टू 1 बाय रूट 2 x आएगा एंड v इक्वल टू 1 बाय रूट 2 x, यहां पर भी y को 0 रखेंगे। अब दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, सो u माइनस v इक्वल टू, अब ये साइड सेम है, 1 बाय रूट 2 x, 1 बाय रूट 2 x, सबट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, सो u माइनस v इक्वल टू 0, v को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, सो u इक्वल टू v, सो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, If the transformation W equals to AZ plus B upon CZ plus D is a bilinear transformation, then, right? तो bilinear transformation का standard form है AZ plus B upon CZ plus D, और condition यहाँ पर क्या होती है? AD minus BC should not equals to 0. ध्यान रखना है, AD minus BC, right? तो ये bilinear transformation का standard form है, ABCD constant है, ये कांस्टेंट रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल मींस 1 2 3 4 5 कोई डेसिमल फ्रैक्शन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं जैसे 1 plus 2i minus 1 plus 4i, राइट। तो जो ABCD कांस्टेंट है वो रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AD minus BC is not equal to 0, दैट इज ऑप्शन बी। 8th क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है तो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, AD माइनस BC शुड नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो इसे कंपेयर कर लेंगे, W इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D से, राइट। तो इसे अब कंपेयर किया, A इक्वल टू आ जाएगा 2, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 4 एंड D इक्वल टू 2, सो AD माइनस BC, AD minus BC, now A is 2 and D is 2, so 2 into 2, 4 and BC, BC का into करेंगे, AB 4 आ जाएगा 0, तो यहां पर AD minus BC 0 आ गया, तो इसका मतलब है ये bilinear transformation नहीं है, right?
ऑप्शन बी चेक करेंगे, सो W इक्वल्स टू सिर्फ Z है, Z को हम लिख सकते हैं 1 इंटू जेड प्लस 0 अपॉन 0 प्लस 0, 0 और यहां पर हमें 1 लेना पड़ेगा, सो 0 Z प्लस 1, राइट। W इक्वल्स टू Z को हम Z अपॉन 1 लिख सकते हैं, राइट, तो यहां पर आ जाएगा 1 इंटू जेड प्लस 0 अपॉन 0 इंटू जेड प्लस 1। नाउ ए डी माइनस बी सी, तो ए यहां पर आ जाएगा 1, बी आएगा 0, सी आएगा 0 एंड डी आएगा 1, सो ए डी माइनस बी सी। नाउ ए डी इज 1, ए का डी में इंटू करेंगे 1, बी सी का इंटू करेंगे 0, आएगा 1, सो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ऐसे ही आप सी और डी ऑप्शन को भी चेक कर लेना, तो यहां पर शायद सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ये भी एक बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसे आप डी को भी चेक कर लेना, राइट। तो यहां पर दो ऑप्शन सही हैं, सी भी यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अ बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्ट्रेचिंग एंड इनवर्जन, करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी करेक्ट है, ये सभी स्टेटमेंट आपको याद करना है, लर्न कर लेना है। एवरी बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्कल्स इनटू सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइंस इनटू स्ट्रेट लाइंस, एवरी बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्कल्स इनटू सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइंस इनटू स्ट्रेट लाइन, ये भी करेक्ट है। द सेट ऑफ ऑल बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप अंडर द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये इनकरेक्ट होगा, दे फॉर्म अ ग्रुप बट अ नॉन एबेलियन ग्रुप, यहां पर बोला है एबेलियन ग्रुप लेकिन वो नॉन एबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं, ऑपरेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पर आना चाहिए नॉन एबेलियन ग्रुप, तो ये चारों स्टेटमेंट आपको लर्न कर लेना है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी। बाय द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई, हाफ प्लेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हाफ प्लेन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है पहले उसे सिंप्लीफाई कर लें, तो आई जेड प्लस आई, जेड है एक्स प्लस आई वाई प्लस आई, आई का इंटू करेंगे सो एक्स आई प्लस आई स्क्वायर वाई प्लस आई, सो एक्स आई, नाउ आई स्क्वायर इज माइनस वन प्लस आई, सो माइनस वाई प्लस यहां पर आई अगर कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स प्लस वन, इसे कंपेयर करेंगे u प्लस आई वी से, सो u इक्वल टू होगा माइनस वाई एंड v क्या हो जाएगा x प्लस वन, राइट, v इक्वल टू x प्लस वन, तो यहां से हम कह सकते हैं x इक्वल टू आएगा v माइनस वन, हाफ प्लेन है x ग्रेटर देन जीरो, राइट, सो x ग्रेटर देन जीरो है और x को हम रिप्लेस कर सकते हैं v माइनस वन से, सो v माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, नाउ वन को इस तरफ शिफ्ट करेंगे सो v ग्रेटर देन वन, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज v ग्रेटर देन वन। क्वेश्चन नंबर 11, लेट W इक्वल्स टू T ऑफ Z इक्वल्स टू Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 3, यहां पर T इनवर्स निकालना है, तो T इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहां पर T ऑफ Z जो भी है इसे W से इक्वेट करो, W इक्वल्स टू Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 3, अब इसे हम Z के लिए सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे WZ प्लस 3W इक्वल्स टू Z प्लस 2. Now WZ as it is और ये Z को इस तरफ शिफ्ट करेंगे 2 माइनस 3W, Z कॉमन, W माइनस 1, 2 माइनस 3W, सो Z इक्वल्स टू 2 माइनस 3W अपॉन W माइनस 1, अभी Z को रिप्लेस कर लेंगे T इनवर्स ऑफ Z से और जो भी W's हैं उन्हें हम Z से रिप्लेस कर देंगे, सो 2 माइनस 3 जेड अपॉन जेड माइनस 1, सो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से हमें अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टी वन ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 3 एंड टी टू ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड प्लस 1, देन टी वन इनवर्स ऑफ टी टू ऑफ जेड निकालना है, पहले हमें T1 इनवर्स निकालना पड़ेगा और इसके पिछले
T1 इनवर्स निकालना है। उसके लिए हम T1 ऑफ Z को W से रिप्लेस कर लेते हैं और ये हो जाएगा Z+2 / Z+3। Z के लिए सॉल्व करेंगे, सो WZ+3W = Z+2। Z को इधर शिफ्ट करेंगे, सो WZ -Z = 2 - 3W। नाउ Z कॉमन, सो W -1 2 - 3W। सो Z = आ जाएगा 2 - 3W / W - 1। Z को रिप्लेस कर लेंगे, T1 इनवर्स ऑफ Z = और यहां पर भी W को Z से रिप्लेस कर लेंगे, सो 2 - 3Z / Z - 1। तो ये है T इनवर्स ऑफ Z। हमें निकालना है T इनवर्स ऑफ T2 ऑफ Z, तो यहां पर जो Z है इसे रिप्लेस कर देंगे T2 ऑफ Z से, राइट। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, T1 इनवर्स ऑफ T2 ऑफ Z = 2 - 3 times of T2 of Z / T2 of Z - 1। Now 2 - 3 and T2 of Z है Z / Z+1, so Z / Z+1 / Z / Z+1 - 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2Z + 2 - 3Z / Z - Z - 1। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, Z+1 और ये भी Z+1, राइट। नाउ 2Z - 3Z = -Z + 2 एंड डिनोमिनेटर Z और Z कैंसिल, तो यहां पर आएगा -1। माइनस का ऊपर इंटू करेंगे, सो Z आएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, सो Z - 2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका Z - 2, यहां पर माइनस आना चाहिए, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज Z - 2। इस क्लास को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद के क्वेश्चन हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में, सो विल कंटिन्यू इन द पार्ट 2।